प्राणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो वक्षायाणम नमो लोये सर्वसाधनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इस शिविर के दौरान अपनी जो चर्चा का विषय है चारों अनियोगों के माध्यम से वीतरागता की प्राप्ति। जैसा कि अपन लोग जानते हैं भगवान जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो द्वादशांग श्रुत रूप जिनवाणी की धारा प्रवाहित हुई और गंधर्व देव से लेकर हमारे वर्तमान प्रत्यक्ष उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा उस देशना का रहस्य हमें प्राप्त हुआ। उस चार अनियोग में पूरी जिनवाणी का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता की उपलब्धि है। पूज्य गुरुदेव श्री ने परमागम के जिन 11 सिद्धांतों की चर्चा की है उसमें से 85 काय गाथा 172 के आधार से उन्होंने ये सिद्धांत भी अपने सामने रखा है। चारों अनियोगों का तात्पर्य भी रखा है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि यदि हम जिनवाणी का कोई भी अनियोग पढ़ते हैं और उसमें से वीतरागता के प्रयोजन की सिद्धि नहीं निकालते हैं तो सच में हमने जिनवाणी का स्वाध्याय किया ही नहीं। और चूंकि वीतरागता वीतराग स्वभाव के अवलंबन से होती है, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जिनवाणी का कोई भी अनियोग हो, जिनवाणी का कोई भी प्रश्न हो, अरे प्रश्न की कोई भी लाइन हो, यदि उसमें से भूतार्थ गैर स्वभाव का आश्रय और अवलंबन का प्रयोजन नहीं निकाला जाता है तो सच में हम जिनवाणी की विराधना करते हैं, आराधना नहीं करते। ये बहुत ही गंभीर विषय है और सच में ऐसे अवसर में तो गुरुदेव श्री की बहुत बहुत याद आती है, आना चाहिए कि जो प्रथमानियों मात्र कथा कहानियों तक सीमित था और गुरुदेव श्री के पहले की स्थिति का जो चित्रांकन अगर आपके सामने खींचा जाए या गुरुदेव श्री से जो प्रभावित और प्रमुदित नहीं है वहां का चित्रांकन अगर आपके समक्ष खींचा जाए तो बस एक प्रथमानियोग के नाम पर कोई भी पुराण शास्त्र ले लिया और उसकी कहानी पढ़ ली और नौ बार नमोकार मंत्र बोल करके उस पुराण को पूरा कर दिया और अपने स्वाध्याय कर लिया। सच में प्रथमानियोग भी कैसे पढ़ना, उसमें से भी आत्महित का प्रयोजन कैसे साधना, ये दृष्टि अपने को पूज्य गुरुदेव श्री ने दी है। इसलिए उन प्रथमान योग के रचनाकार आचार्य भगवंतों का तो अपन लोगों पर महान महान उपकार है ही कि जिन्होंने हमें अपने पूज्य पुरुषों से मिलाया, उनके जीवन से परिचित कराया, उनकी साधना और आराधना से परिचित कराया, साथ ही उन विराधक परिणामों से भी हमें बचाने का मार्ग बताया कि जिन विराधक परिणामों को करके
अनेक जीव दुर्गतियों में परिभ्रमण करते हुए संसार में परिभ्रमण करते रहे हैं। ये सारी बातें प्रथमान योग के माध्यम से अपन लोगों को सीखने को मिलती है। प्रथमान योग सामान्यतः उसमें तीन चीजों का निरूपण होता है। अपन एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। प्रथमान योग में से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि, प्रथमान योग में से स्वभाव की आराधना की प्रेरणा, प्रथमान योग में से विराज स्वभाव की विराजना के फल इत्यादि अनेक अनेक विषयों पर अपन लोग चर्चा करेंगे। सामान्य चर्चा अभी आज अपन करते हैं कि प्रथमान योग में तीन बातों का विवेचन मुख्य रूप से होता है। प्रथमान योग जिसमें 63 शलाका पुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित होता है, और जैनियों का प्रथमान योग किसी भी राजा का राज्याभिषेक होने मात्र से पूरा नहीं होता। वो प्रथमान योग की कहानी पुराण चरित्र तब पूरा होता है कि जब उसे मुक्ति साम्राज्य की उपलब्धि हो जाती है। माने साधना से प्रारंभ हुआ और साधना के फल तक जो पहुंचाने का पूरा जो जीवन दर्शन है किसी भी ज्ञानी धर्मात्मा का, उसका नाम प्रथमान योग है। उस प्रथमान योग में तीन बिंदु आते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में चार अनुयोगों का स्वरूप या चार अनुयोगों की कथन पद्धति के संबंध में विशेष प्रकार का निरूपण किया है। बहुत अच्छा निरूपण किया है और जो मूल रूप से पढ़ने योग्य है, नहीं तो अपन लोग कहीं कहीं अर्थ विपर्यास भी ग्रहण कर सकते हैं। तो उसमें प्रथमान योग के संबंध में उन्होंने लिखा कि जिस अनियोग में संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति बताकर जीवों को धर्म मार्ग में लगाया जाता है। कितनी बातें कही। देखिए ये शिविर है और शिविर माने शिविर में किरीट भाई जी प्रश्नोत्तर कर सकते नहीं कर सकते कर सकते पता लगेगा भैया नहीं 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 पूछो। देखो भाई पूछूंगा नहीं लेकिन आप तैयार रहे पूछ भी सकता हूं। तो तीन बातें कौन कौन सी। संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और ये सब बताते हुए महंत पुरुषों की प्रवृत्ति का जिस अनियोग में निरूपण किया जाता है उसे बोलते हैं प्रथमान योग। संसार की विचित्रता के तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत, जब अपन दृष्टांतों की छटाओं पर जाएंगे प्रथमान योग में तब वो चर्चा भी करेंगे कि कैसी कैसी संसार की विचित्रता का परिणाम कि थोड़ी देर पहले जो जीव भगवान पार्श्वनाथ पर मुनि अवस्था में पत्थरों की घनघोर वर्षा कर रहा है। प्रथमान योग का उदाहरण है ना अक्षय भाई जी, प्रथमान योग का दृष्टांत है। आप तो मिजोरम में जाके आए हैं, वो भूमि है। तो क्या दृष्टांत है वो कि प्रथमान योग में कि थोड़ी देर पहले जो जीव मुनिराज पार्श्वनाथ पर अतिशय क्रोध से प्रेरित होकर पत्थरों की वर्षा कर रहा है। तो आपका चित्र बदल गया। हाँ जी, अभी देखो आई बात समझ में। पत्थरों की वर्षा कर रहा है, ध्यान से सुनना एक पॉइंट। थोड़ी देर पश्चात विचित्रता कैसी है कि मुनिराज पार्श्वनाथ को तो केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है और उस जीव के परिणामों में परिवर्तन आता है। किसका, किसको, कमट के जीव के परिणामों में परिवर्तन आता है। वो एक भव से नहीं, पिछले 10-10 भवों से भगवान पार्श्वनाथ के जीव के साथ अकारण वैर। बहुत सी बात, बहुत से लोग तो बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन ये कथानक ऐसा कथानक है जिसमें एक हाथ से ही ताली बजी है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ ने कभी उसको क्रोध का निमित्त भी बने ऐसा कोई काम नहीं किया। 10 भवों तक उसके क्रोध का निमित्त बने
ऐसा कोई उपक्रम भगवान पार्श्वनाथ के जीव की ओर से नहीं हुआ और वो एक तरफा बेर उनके साथ करता आया। तो देखो दस दस भवों तक का क्रोध का परिणाम और थोड़ी देर के बाद वो परिणाम किस रूप में परिवर्तित हो गया कि पश्चाताप के परिणाम के रूप में परिवर्तित हो गया। मुनिराज पार्श्वनाथ दस भाव से साधना कर रहे थे और इस भाव में उनकी साधना की क्या हो गई कि उनकी साधना की उनकी पूर्णता हो गई। वो जीव मुनिराज पार्श्वनाथ पर उपसर्ग करके उसी भाव में भगवान पार्श्वनाथ के समोह शरण में आकर सम्यक दर्शन को उपलब्ध करता है। थोड़ी देर पहले के उस कमट को अपन देखें तो अपन लोग हाथ बाएं चढ़ा के तैयार हो जाएंगे ये पार्श्वनाथ में पत्थर बरसा रहा है, मैं देखता हूं उसे नहीं आएगा, अपने अपने को क्या परिणाम आएगा। अच्छा बोलो, कोई अपने भगवान के ऊपर ऐसा पत्थर बरसा रहा हो तो अपने को क्या परिणाम आएगा। अगर अपन सूरवीर होंगे तो बाहें चढ़ाएंगे, अगर अपन बड़बोले होंगे तो दो चार गालियां देंगे, और न सूरवीर होंगे ना बड़बोले होंगे तो मन ही मन खेद खिन्न तो होंगे कि कैसा दुर्भाग्य जीव है, हमारे भगवान के पास पत्थर बरसा रहा है। पर भाई साहब इतनी देर में तो उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप ही नहीं किया, भगवान की देशना सुनकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गए। बोलो ये संसार की विचित्रता है कि थोड़ी देर पहले का विराधक थोड़ी देर पश्चात आराधक बन सकता है। इसलिए भाई किसी के विराधक परिणाम देखकर उसके प्रति द्वेष मत करना, किसी के प्रति किसी को आराधक देख करके उसके प्रति राग मत करना, बल्कि आराधक और विराधक परिणामों के पार जो चैतन्य तत्व विराजमान है, जो आराधक परिणामों से आराधक विराधक परिणाम से तो सुनने हैं, 320 गाथा सुन के आए ना अभी, तो पावर है कि नहीं, 320 गाथा का भी है पावर है ना। हाँ ठीक है, 320 गाथा में कि आराधक जो विराधक परिणाम से भी रहित है और जो आराधक परिणाम से भी रहित है, अरे आश्रय करने योग्य तो वो चैतन्य भगवान आत्मा है, वो शुद्ध स्वरूप है, वो परम पारिणामिक भाव है। अच्छा अभी विचार करो जरा कि भगवान पार्श्वनाथ वो कहते कि देखो दस दस भाव हो गए, कैसा दुष्ट मेरे पीछे पड़ा है, हैं कि दस दस भाव हो गए, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, अपना कोई कुछ बिगाड़े नहीं, और जबरदस्ती कोई आकर के अपने को छेड़े, समझा गया। तो एक बार एक घंटे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे अपन सहन कर लेंगे, बाद में तो अपने से भी सहन नहीं होगा कि क्षमा वीर से पूछना होगा, देख ली वीरता बहुत हम क्या ऐसी फालतू है क्या है? वो नहीं आता, एक दृष्टांत आता है ना, क्या दृष्टांत आता है कि वो दृष्टांत आता है कि वो शिशुपाल और श्री कृष्ण में बहुत देर था तो श्री कृष्ण वो शिशुपाल बार बार छेड़े श्री कृष्ण को, क्षमा वीर से पूछना की झांकी थी वो तो बार बार छेड़े, तो बार बार छेड़े तो उसने कहा हे शिशुपाल तू समझ ले एक बात बहुत अच्छी तरह, क्या कि देख तेरे नन्या ने 100 अपराध में माफ कर दूंगा, लेकिन बेटा अगर 101वां अपराध अगर तूने किया तो मेरा सुदर्शन चक्र होगा, तेरी गर्दन होगी, अब तू सोच ले क्या करना तेरे को। ठीक है जी चलो, अब वो फिर उनको छिड़ा रहे, 2-5-10 गालियां दी, फिर के देख तेरे 10 हुए, तेरे 15 हो गए, तेरे 20 हो गए, तेरे 90 हो गए, 95 हो गए, 96, 97, 98, 99, ये लास्ट। और अब तो तू बोल, वे जैसे उसने बोला चक्कर चला गया, गर्दन काट क्या भाई, ये क्षमा का स्वरूप क्या, इसको क्षमा माने क्या, इसको क्षमा बोलेंगे कि तुमने एक अपराध माफ कर दिया, तुम गिनते भी जा रहे हो कि तेरा एक मैंने माफ कर दिया, तूने 10 अपराध किए मैंने देख तेरे माफ कर दिए, तुम गिनते भी जा रहे हो, अरे जब गिनते जा रहे हो तो माफ कहां किया, और माफ किया तो फिर वो अपराध तुम्हारी लिस्ट में गिनने में कैसे आया। भगवान पार्श्वनाथ अगर ऐसा करते तो अरे भगवान 10-10 भाव तक मैं देख 10 भाव तक तो मैं भी चरम शरीर ही नहीं था, मेरे शरीर का बल भी बहुत नहीं था बेटा, इसलिए मैंने तेरे को सहन किया, लेकिन अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया ना तो सोच ले तेरे को मैं कहां भेजूंगा। आपको पता है तीर्थंकर के शरीर का बल बहुत अतुल बल होता है, बोलो
ऐसा परिणाम भी भगवान पार्श्वनाथ को नहीं आया। एक पॉइंट, जिस समय भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हो रहा था उसी समय उसी भाव में उनसे उपकृत एक देव, देखो ये पद्मावती तो कहां से घुसी मुझे पता नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र का उदाहरण जरूर पुराणों में आता है। ये पद्मावती कैसे घुस गई मुझे आज तक पता नहीं पड़ा, उत्तर पुराण में नहीं है तो पद्मावती का उल्लेख, कोई उल्लेख नहीं है। तो धर्मेंद्र आया, तो धर्मेंद्र ने कहा कि अच्छा मेरे प्रभु पर ये उपसर्ग कर रहा है, तो उसने प्रभु के ऊपर फण मंडल फैला दिया। फण मंडल फैला दिया तो लोगों ने क्या कहा, ओहो क्या गजब का धर्मेंद्र है, इसने भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा की। मैंने कहा अच्छा भगवान की रक्षा इतने की, तुमने मैंने भगवान का कौन सा शरीर था भैया जरा बताना है। वह जो सब नाराज सहनन का, अरे जिस शरीर पर पत्थर की सिलाएं टकराएंगी वो सिलाएं चूर चूर हो जाएंगी, लेकिन भगवान का उन्हें उनके शरीर का बाल भी बाका होने वाला नहीं था। उसने केवल अपनी भक्ति का भाव प्रदर्शित किया, वो भी इस बात को जानता था क्योंकि उसने भी भगवान से तत्व ज्ञान का लाभ लिया है, वो भी इस बात को जानता था कि त्रिलोकीनाथ भगवान की रक्षा करने में तो कौन समर्थ, और जिसे मैं भगवान कह रहा हूं वो तो पुद्गल की बात है, वो तो शरीर की बात है, भगवान तो बहुत अंदर बैठे हैं, इस शरीर से भी पार बैठे हैं भगवान तो, लेकिन एक उदाहरण में अपन उसको भगवान कहते हैं शरीर को, ठीक है। तो क्या हुआ, तो उन्होंने भक्ति का भाव प्रदर्शित किया। तो हम लोग बड़े सूरवीर निकले, हमने भगवान को छोड़ करके उसी को पूजने लगे, जबकि ये विचार करे साहब भगवान की रक्षा की क्या बात कर रहे हो, भगवान की रक्षा की मतलब भगवान की रक्षा मतलब भगवान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सके, पहली बात भगवान कितने कमजोर थे। अरे भाई प्रथमान योग के उदाहरण पढ़ोगे तो इसका समाधान भी आपको प्रथमान योग में मिलेगा। कहां मिलेगा, पवनंजय अंजना सुंदरी, किरीट भाई जी ने मेरे को बोल दिया था, पूरी तैयारी के साथ आया हूं, बहुत सारे प्रथमान योग के उदाहरण है आपके, समझ में आ गया। तो क्या कहा, प्रथमा आपने अंजना सुंदरी का दृष्टांत सुना ना, पव ये अपने हनुमान जी का जन्म कहां हुआ था आपको पता है ना, जंगल में जन्म हुआ था, जंगल में महापुरुष जंगल में जन्मे। अब हुआ क्या कि जब वो जंगल में जन्मे उनकी पति ने, वो सारी कथा में अलग प्रकरण में लेने वाला हूं इसलिए अभी नहीं ले रहा हूं, उतना हिस्सा ले रहा हूं अभी। तो वो जब जन्मे उनके मामा आए और मामा से उनका परिचय हुआ, तो मामा फिर उनको अपने नगर में ले गए, नगर में ले जाने के लिए विद्याधर थे तो नगर में ले जाने के लिए उन्होंने हनुमान सहित अंजना को वसंत माला जो उनकी सखी थी उनको विमान में चढ़ाया और विमान पूरी तेजी के साथ चलने लगा। इतने में हनुमान बाल सुलभ चेष्टा उछल उछल करके उछल कूद करने लगे माता की गोद में, और उछल कूद करते करते एकदम छिटके और छिटक करके नीचे। अब अंजना का भी होश गायब हो गया था, भैया एक दिन का बालक, पति का तो पहले ही वियोग था, ये पुत्र मिला है, ये पुत्र भी मेरे जीवन में नहीं है, एकदम वियोग। उस मामा के भी हाथ पांव फूल गए, तो लो अच्छा करने गया था और बुरा हो गया। चलो भाई जो भी होना है हुआ, नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हैं तो क्या देखते हैं, हैं कि हनुमान पत्थर की शिला पर पड़े, जिस शिला पर वो गिरे वो शिला चूर चूर हो गई और हनुमान मुंह में अंगूठा लेकर के चूस रहे। ठीक यही कहानी प्रद्युमन की आती है, छह दिन का बालक प्रद्युमन, पूर्व भाव के बेरी ने उसका हरण किया, वो भी अपने प्रसंग में एक बार आएगी कहानी, हरण किया, और हरण किया तो क्या करे, इसको क्या करूं मैं इस बालक का, बहुत बालक सुंदर है, भले मेरा पूर्व भाव में मेरा अनिष्ट किया हो लेकिन है तो बड़ा सुंदर, बिल्कुल मारना तो नहीं चाहिए, दया का परिणाम आया तो क्या करूं कि मैं अपने हाथ से तो नहीं मारूंगा लेकिन मरने का पूरा इंतजाम करूंगा इसका। तो क्या किया, ऐसी शिला जिसे विद्या के बल से हटाया जा सकता था, विद्या के बल के बिना नहीं, इतनी वजनीदार इतनी वजनी शिला, उस शिला को उठाया और उस बालक को, छह दिन के बालक को शिला के नीचे शिला उसको सुला दिया और उसके ऊपर शिला रख दी पत्थर की। भाई साहब
बहुत भारी शिला थी, जैसा कि मैंने बताया विद्या के बल से शिला को हटाया गया, ठीक है। लेकिन गजब हो गया कि वो श्वास ले ना बालक, तो श्वास ले तो पेट उसका फूले, तो उसका पेट फूले तो इधर वो शिला हिले, गजब हो गया। ये क्या हुआ कि राजा काल समर वगैरह निकले कि ये क्या हो रहा है, ये हिल क्यों रही है, मेरा विमान कैसे रुक गया, ये हिल क्यों रही है। जरूर या तो कोई उपसर्ग में है, या कोई संत महात्मा है, या कोई जिन मंदिर है, या कोई धर्मात्मा है। नीचे उतरे, अब नीचे उतरे तो देखते हैं, ओहो ये शिला क्यों हिल रही है, क्या बात है ये। जैसे ही शिला को उठाया तो 6 दिन का बालक उस शिला के नीचे दबा हुआ, और उस शिला का, उस बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ा। सोचो जरा इस प्रसंग से ये कि यदि वो पार्श्वनाथ की रक्षा अगर धर्मेंद्र नहीं करता तो पार्श्वनाथ का तो कुछ बिगड़ जाता ना। कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने पुराणों में है। अब हमने क्या किया, तो हमने ये किया कि उस कमट के जीव से हमने किया द्वेष, और हमने उस धर्मेंद्र के जीव से किया राग। लेकिन भाई साहब इस कथा के चरित्र नायक कौन थे ये बताओ, है चरित्र नायक पार्श्वनाथ थे ना, तो पार्श्वनाथ के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए थी या इन लोगों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए थी, जरा ये बताओ। पुराण चल रहा भले आदमी, पुराण चल रहा पार्श्वनाथ का, पुराण किसका चल रहा है, पार्श्वनाथ के पुराण में ये तो ये 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 तो दूसरे साइड वाले पात्र है ना, तो मैं पुराण तो पार्श्वनाथ का चल रहा, तो पार्श्वनाथ के जीवन से तो शिक्षा नहीं ली, और अपन ने किसके जीवन से शिक्षा ली, कि या तो शिक्षा ली उसके जीवन से इसका ऐसा करना चाहिए, इसका बायकॉट कर देना चाहिए, अगर अपनी नगरी में आए तो देख लेंगे अपन क्या करेंगे, ऐसा भगवान के ऊपर उपसर्ग करता है। एक से हमने द्वेष किया, एक से हमने राग किया, लेकिन हम पूछते हैं भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया था, बताओ जरा। अगर भगवान पार्श्वनाथ भी हमारे जैसा आपके जैसा ही काम करते तो निश्चित रूप से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा देवलाली में तो स्थापित नहीं होती है ना, देवलाली में स्थापित है पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा, है कि नहीं है, है ना। आप नहीं करते क्या, आप लोग बताओ जैसे कश्ती वगैरह सब बैठे होंगे यहाँ पे, हेमचंद जी साहब बैठे हमारे, बता दो पार्श्वनाथ की प्रतिमा आप यहाँ स्थापित करते, क्या किया कि भगवान पार्श्वनाथ ने न उस उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष किया, न उस उपसर्ग के निवारण का विकल्प करने वाले, निवारण करने वाला नहीं बोल रहा हूँ ध्यान देना, उपसर्ग के निवारण करने का विकल्प करने वाले धर्मेंद्र के प्रति राग किया, बल्कि क्या किया कि जैसे वो बाहर में उपसर्ग की परिस्थिति बनी वैसे उन्होंने अपनी आत्मा में अपने उपयोग को और अधिक एकाग्र होकर के जोड़ लिया। तो जोड़ दिया तो क्या हुआ कि केवल ज्ञान निकला। तो बहुत से लोगों ने कहा कि ठीक है साहब सिर पे पत्थर बरसे और केवल ज्ञान निकलता है, अगर सिर पे पत्थर बरसते केवल ज्ञान निकलता है तो तुम दीवार से अपना सिर ठोक करके संबंध दर्शन तो प्राप्त कर लो, कि भैया सिर पर पत्थर बरसने से केवल ज्ञान नहीं होता। बहुत से लोगों ने ऐसा अर्थ किया कि देखो साहब सिर पे पत्थर बरसेगा तो केवल ज्ञान निकलेगा, इसलिए अपने को तो सिर पे पत्थर बरसाने वाला कोई मिल जाए केवल ज्ञान हो जाएगा, अपन केवल ज्ञान के लिए पुरुषार्थ नहीं करना। ऐसा नहीं, देखो सिर पर पत्थर बरसे उस ओर लक्ष्य नहीं गया, उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राज रूप लक्ष्य नहीं गया, और एकमात्र अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की ओर लक्ष्य दिया, तो उस भगवान आत्मा में से केवल ज्ञान निकला। ये सब तो भगवान जानते थे कि ये सब तो पुण्य पाप के नाटक हैं, मेरे भी कोई पूर्व पाप का उदय आया होगा उसके फल में ये सब बाहर का संयोग बना है। पाप का उदय तीर्थंकर के जीवन में आवे आए ना, तो तीर्थंकर को भी उसके उदय के अनुसार बाहर की परिस्थिति तो बनती है। धन्य वे नहीं है जिनके जीवन में पाप का उदय नहीं आता, बल्कि धन्य वे हैं कि जो पाप के उदय में पाप परिणाम नहीं करते। धन्य वे नहीं है जिनके जीवन में पाप का उदय नहीं आता, धन्य वे हैं जो पाप के उदय में पुण्य के परिणाम नहीं करते। तो क्या है कि धन्य वे हैं जो पाप के उदय में धर्म रूप परिणाम करते हैं। और ये शिक्षा हमें भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से मिलती है।
संसार के स्वरूप पुण्य पाप का फल संसार की विचित्रता समझ में आई? इस उदाहरण से संसार की विचित्रता समझ में आई? देखो इसी उदाहरण से पुण्य पाप का फल समझ में आया कि पुण्य पाप का फल कि देखो तीर्थंकर प्रकृति जैसी पुण्य प्रकृति पड़ी हो सत्ता में और मुनि दशा में उपसर्ग की परिस्थिति है। अरे क्या बात करें, तीर्थंकर प्रकृति जो अभी बांध रहे हैं, अभी बांध रहे हैं कि नहीं बांध रहे हैं? कौन है? राजा सैनिक पहले नरक में अभी पड़े हैं और यहां वहां क्या मांग रहे हैं? प्रति समय तीर्थंकर प्रकृति, हर ध्रुवबंदी प्रकृति होती है ये, तो हर समय तीर्थंकर प्रकृति नरक के क्षेत्र में बांध रहे हैं। क्यों भाई साहब? नरक के क्षेत्र में ये तो तीर्थंकर होने वाले जीव हैं, अपने नरक में आ गए हैं, इसलिए अपना महासदभाग्य है, इनको VIP सुविधा उपलब्ध कराई जाए नरक के अंदर। ऐसी व्यवस्था है वहां में? क्यों है ऐसी व्यवस्था? है क्या है व्यवस्था? 6 महीने तो जब होगा, अभी तो इतने साल तो वही तो वो भी पिट रहे हैं और वो भी पीट रहे हैं, पिट भी रहे हैं और पीट भी रहे हैं। मां धार बसी है, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं है। बाहरी रूप से देखो तो, और अंतरंग देखो तो क्या हुआ? अंतरंग देखो तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक की जो वीतराग परिणति उनके अंतर में प्रकट हुई है, नरक की ऐसी भीषण प्रतिकूलता भी, नरक के ऐसे मार काट के संयोग भी, ख्याल में आया ना, उनकी उस मिथ्यात्व के अभाव जनित और अनंतानुबंधी के अभाव जनित शांति को लूटने में समर्थ नहीं है। और इसलिए कहा बाहरी नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। इसमें क्या विचित्रता है, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं और ऐसी इस परिस्थिति में पड़े हैं। तीर्थंकर प्रकृति का उदय है और 6-6 महीने तक आहार के लिए निकल रहे और आहार नहीं मिल रहा, बोल क्या करोगे? अरे साहब ये व्यवस्था नहीं मिली, तो तीर्थंकर से बड़ा है क्या? नहीं होता। कभी कार्यक्रम में जाते हैं अपन, शिविर में जाते हैं, कहीं भी कहीं कोई प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं शादी विवाह में जाते हैं, चलो शिविर में तो गौण भी कर जाएं, शादी विवाह में जाएं, कोई लौकिक प्रसंग में जाएं, और कहीं कोई अपनी व्यवस्था के अनुकूल अपने को व्यवस्था नहीं मिले तो अपना पारा 7वें आसमान पे उठ जाए। कहीं तो उनको बुला लिया जो व्यवस्था नहीं थी आपके पास, क्यों उनको बुला लिया? उस समय याद करो कि तुम तीर्थंकर तो नहीं हो ना, क्या हो? तीर्थंकर हो। तो अरे तीर्थंकर प्रकृति का जिनको उदय आना है, जो इस भाव में पहले तीर्थंकर होने वाले हैं भाई साहब, उनको भी 6 महीने तक निरंतर आहार के लिए निकलने पर भी 2 रोटियां नहीं मिली थी 6 महीने तक। बोलो क्या है उसमें? ये बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता का लक्ष्य छोड़ दे, तीर्थंकर जैसा अखंड पुण्य तेरे पास नहीं है, लेकिन तीर्थंकर जैसा अखंड ज्ञात स्वभाव तेरे पास है। तेरे पास नहीं, तीर्थंकर जैसा ही अखंड ज्ञात स्वभाव तू है, ख्याल में है ना? एक बार उस स्वभाव का लक्ष्य ले, ये प्रथमान योग सिखाता है। देखो अपने को बहुत बहुत सीखने जैसा है इस प्रथमान योग के माध्यम से, क्योंकि ये वीतराग की वाणी है। भगवान ऐसा थोड़ी, तो जो भी प्राण पड़ते हैं ना अपन लोग, तो पुराणों में क्या होता है कि राजा सैनिक होते हैं और राजा सैनिक होते हैं वो जाते हैं और भगवान के साहब आज तो मुझे ये चरित्र सुनना है, मैं 10-15-20 पुराण पढ़े और सब में यही कहानी। मैंने कहा भगवान को भी और कोई काम नहीं था, राजा सैनिक को भी और कोई काम नहीं था, एक ही काम था भगवान रोजाना समर्थन में जाए, महाराज आज से ये कहानी कह दो। ये क्या है कि देखो उसके पीछे ये कहना, कोई रोजाना राजा सैनिक प्रश्न पूछते हैं, भगवान व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये कहकर के वो प्रथमान योग वाले आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि ये जो प्रथमान योग की कहानी है ये तीर्थंकरों की परंपरा से चली आई है। तो जिनकी दिव्य ध्वनि में, जिनकी दिव्य ध्वनि में ये पौराणिक प्रसंग लिखे गए, वे तीर्थंकर वीतरागी थे या रागी थे? हैं?
वितरागी ठीक। रवि सेना आचार्य जैसे आचार्यों ने, जिन सेना आचार्य जैसे आचार्यों ने, सकल कीर्ति जैसे आचार्यों ने जो ये प्रथमान योग के ग्रंथ लिखे वे वीतरागी संत। वीतरागी थे या रागी थे? वीतरागियों का कहा हुआ, वीतरागियों का लिखा हुआ, राग में और द्वेष में निमित्त होगा कि वीतरागता में निमित्त होगा? वीतरागता में निमित्त होगा। वो सीधी सी बात है, आप एक भी पुराण ऐसा लाके बताइए कि देखो बहुत सारे पुराण में बहुत सारा वर्णन किया है ना, युद्ध का वर्णन किया, राजपाट का वर्णन किया, भोग विलास का वर्णन किया, ऐसा ऐसा वर्णन किया कि अपने को देख करके ऐसा लगे वाह कितने मजे में थे। देखो ये भरत चक्रवर्ती के तो मजे मजे थे। हमारी राजस्थानी भाषा में कहूं ना तो कि 500 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था उनका। क्या मतलब कि चक्रवर्ती का भोग भी खूब भोगे, जीवन भर चक्रवर्ती के भोग भोगे और मुनि दशा ली और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान, तो हमको काय को अभी से निवृत्ति लेने की बात करते हो? क्यों है कि नहीं है ना? हम तो भरत चक्रवर्ती वाले गुट के हैं, हम आदिनाथ वाले नहीं है कि जैसे महीने तक तो घूमेंगे और 1,000 वर्ष तक ध्यान लगाएंगे। हम आदिनाथ वाले नहीं है, हम तो भरत चक्रवर्ती की पार्टी में है। भैया भावना तो आपकी बहुत अच्छी है लेकिन अभिप्राय का बहुत बड़ा दूषण है। भावना तो बहुत अच्छी है कि मैं जब भी पुरुषार्थ करूं हे भगवान मेरा पुरुषार्थ इतना उग्र हो कि मैं अंतर मुहूर्त का काम अंतर मुहूर्त में पूरा कर लूं, ये भावना तो बहुत अच्छी है। लेकिन हम जो ये कहते हैं ना भरत चक्रवर्ती ने भी इतने भोग भोगे तो हम अभी से क्यों निवृत्ति ले लें? इसमें हमारी भावना साधना की नहीं बल्कि 5 इंद्रियों के विषय कषाय के पोषण की है। बाबूजी का एक प्रसंग याद आता है इस अवसर पर, युगल जी साहब का एक बार प्रश्न किया था, शिविर था जयपुर में, मैं भी था उस समय, बाबूजी थे, चर्चा चली थी, प्रश्न किया था कि साहब ये सम्यक्त की पात्रता की आप इतनी बात करते हो, ये सब करते हो, तो शेर को तो हो गया था, पुराणों में तो सारे उदाहरण मिलेंगे ना कि शेर को तो बोलो भगवान महावीर के जीव के शेर की पर्याय में सम्मत दर्शन हुआ, क्या कर रहा था वो? बहुत सारे पुराण याद हो जाएंगे अभी आपको, क्या कर रहा था? सिगरण को फाड़ के मांस खा रहा था। किसाव जब देशना सुनी तब उसने झूठा मुंह, मांस का मुंह था उसका, कुल्ला भी नहीं किया भले आदमी कि भगवान की वाणी सुन रहा हूं तो कुल्ला तो कर ले। बोलो हो गया कि नहीं हो गया उसको? और आप हम तो इतने इतने प्रतिबंध हैं, समय दर्शन करना है तो तू पात्रता तैयार कर। भाई जी बोल रहे थे ना पात्रता पके और पुरुषार्थ हो, है ना, ये सब बात है। इतने इतने प्रतिबंध शेर की पर्याय में, क्या शेर की पर्याय में तो हो गया था, लो बोलो, और जबरदस्ती हमको इतना इतना फेल रहे हो तुम कि भाई साहब आप भी शेर की पर्याय में तो प्राप्त कर सकते हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब? भोग चाहिए मनुष्य जैसे, ध्यान से सुनना, भोग चाहिए मनुष्य जैसे, सुविधाएं चाहिए मनुष्य जैसी, चक्रवर्ती भरत जैसी, और सम्यक दर्शन चाहिए शेर जैसा, है ना, हो जाएगा? अरे शेर की पर्याय में हो गया, भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में हो गया, उसमें से हमें वीतरागता का रहस्य निकालना चाहिए कि देखो एक समय पहले का पाप परिणाम अगले समय के सम्यक दर्शन में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उस पाप परिणाम का प्राग भाव हो गया। धन्य है वो चैतन्य स्वभाव कि जिस चैतन्य स्वभाव को पाप परिणाम स्पर्श ही नहीं करता,
ये विचार करके उस स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। और हमें काहे की महिमा आई, हमें भी शेर की तरह स्वेच्छाचार की छूट मिल जाए। जिनवाणी का उद्देश्य दीतरागता का पोषण करना है, जिनवाणी का उद्देश्य स्वच्छंदता का पोषण करना नहीं है। भरत चक्रवर्ती के भोग वो तो हमको दिखाई दिए, लेकिन जिस भरत चक्रवर्ती ने भोग को छोड़ करके मुनि दशा धारण करते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान प्राप्त करने का टाइम कितना है, मुनि दशा होने के बाद केवल ज्ञान होने में कितना टाइम लगता है, अंतर मुहूर्त लगता है ना, और उन्होंने अंतर मुहूर्त में काम कर लिया। तो इसका मतलब ये कि भोगों के काल में भी जगत के जीव उन्हें भोगों में, भोगों के बीच दिखाई देते जगत के जीवों को वे, लेकिन उन परिस्थितियों में रहने पर भी उनकी निर्लिप्तता कितनी थी। हमें भरत चक्रवर्ती की उस अलिप्तता के दर्शन क्यों नहीं होते, हमें भरत चक्रवर्ती के भोग दिखते हैं, हमें भरत चक्रवर्ती की अलिप्तता नहीं दिखती। भाई साहब, अगर अलिप्तता नहीं हो रही होती उनकी, अलिप्तता नहीं रही होती तो अंतर मुहूर्त में ये काम नहीं हो सकता था। वो अलिप्तता क्यों नहीं दिखती? ऐसा हुआ था उस जमाने में भी किसी का सिर फिरा था थोड़ा सा, भरत चक्रवर्ती के जमाने में भी किसी ने कहते भरत जी घर में वैरागी, हाँ देख लिए वैरागी, बहुत वैरागी है, पहुंच गया भरत चक्रवर्ती के पास, साहब हमने सुना आप बहुत वैरागी हो, हम तो आपके पास इतना सारा वैभव, नहीं नहीं ठीक है आप कोई बात, हम आपको बताते हैं, एक तेल का कटोरा मंगाया, सुनाइए कहानी सबने, अभी सुनना इसका उद्देश्य निकाल, तात्पर्य निकालना, तेल एक तेल का कटोरा फुल भरा हुआ, दो नंगी तलवार लिए हुए सिपाही, अब बेटा हिल भी नहीं सकता, अब ये नहीं कह सकता नहीं नहीं साहब मेरी गलती हो गई, मैं अब नहीं पूछूंगा जा रहा हूं घर, ये नहीं कर सकता, ठीक है तो गया, उन्होंने कहा साहब ठीक है आप ऐसा करिए भाई, हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, जरा आप हमारा वैभव ठाट बाट सब देख के आओ। तो सारे रणवास में जाओ, सारे वो जो भी होते हैं ना सेना बना, जो भी जितना नौ निधि 14 रत्न सब देख के आओ, पर एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि एक तेल के कटोरे में से एक बूंद अगर नीचे गिर गई तो उधर बूंद नीचे गिरेगी, उधर तुम्हारी गर्दन नीचे गिरेगी। ये नंगी तलवार लिए सिपाही साथ चल रहे हैं, तुम सोच लेना तुम्हें क्या करना है। अब भाई साहब वो सब देखने गया, राजा गया पाल नहीं सकता, सब देखने गया, एक एक महल देखा, एक एक वैभव देखा, सब देखा। भरत चक्रवर्ती ने आके पूछा केम छो मजामा, क्या बोले वो क्या देखा, सब देख लिया महाराज, हमने तो ये तेल का कटोरा देखा। बोल बस, भरत चक्रवर्ती ने कहा कि जैसे तुमने सारे वैभव के बीच होने पर भी तुमने कुछ नहीं देखा, इसी तरह इस सारे वैभव को संयोग दृष्टि से देखोगे तो हम इस वैभव के बीच दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में हम तो जैसे तुम तेल का कटोरा देखते हो ऐसे ही हम तो अपना गाय चिदानंद प्रभु देखते हैं। और इसका नाम है भरत जी घर में ही वैराग्य। भाई साहब वैराग्य माने, देखो वैराग्य माने खाली जंगल में चले गए, घर छोड़ करके जंगल में चले गए, कि इसका नाम वैराग्य हो तो जंगल के सारे जानवर वैरागी। अरे भाई ये रागी जीव तो जंगल में जाएगा तो भी राग के आयतन बसाएगा, राग के आयतन बनाएगा और कोई नहीं, तो ये शिला तेरी, तू मेरी शिला पे कैसे ध्यान करने बैठ गया, ले ये करेगा। और भाई अगर ये ज्ञानी धर्मात्मा वैरागी चित्त वाला, ऐसे सैकड़ों उदाहरण, बहुत से लोग बोलते हैं ठीक है बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो भाई अब हम यहां से मर के तो स्वर्ग में जाएंगे और वहां से जाकर के सिमंदर भगवान के समोसन में जाएंगे, वहां जाकर के हम भगवान की दिव्य देशना सुनेंगे, संग दर्शन प्राप्त करेंगे,
कहते धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। क्या मतलब? कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? कि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ 4 किलोमीटर दूर तुम्हारा मंदिर है, तो तुम कहते हो बहुत दूर है, कैसे जाएं? तो पहली बात तो तूने दूर मकान क्यों लिया? मंदिर के पास लेता नहीं तो जहां मंदिर, जहां मकान लिया वहां मंदिर बना, एक पॉइंट। दूसरी बात तू कहता है कि भैया बहुत दूर है, हम क्या करें, बहुत दूर है, हम तो भगवान के पास जाएंगे, सिमंदर भगवान के पास, स्वर्ग में जाएंगे तब वहां जाएंगे। कि तेरे को यहां 4 किलोमीटर की दूरी तय नहीं होती, तू स्वर्ग से विदेश क्षेत्र जाएगा, कितनी दूरी है जरा पता ना, गणित करना नहीं होगा बताएंगे वो जो शीघ्र में आएंगे ना, मेरा सब्जेक्ट प्रधान ही हो गए, तो उनसे पूछना कितनी दूरी है। ये बहाने नहीं, जिसको वास्तव में आत्महित लगा, आत्महित की लगन लगी हो, वो इन महापुरुषों के जीवन में से आत्महित का सार निकालता है। कि अरे इतने वैभव के बीच रहने पर भी, ऐसा सब कुछ करने पर भी कैसे निर्लिप्तता थी उनकी? तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया, पिताजी को भी, पिताजी से भी बाजी मार गए, पिताजी को 1000 साल लगा, कितना लगा पिताजी को, उनके पिताजी को, उनके पिताजी को कितना साल लगा था केवल ज्ञान लेने में? है नहीं लगा, गलत बात है, अंतर्मुहूर्त में ही हुआ। बाहुबली जी को भी अंतर्मुहूर्त में ही हुआ, भरत चक्रवर्ती को भी अंतर्मुहूर्त में ही हुआ, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त लाने में आदिनाथ जी को 1000 साल लगा, ये हुआ था। वो अंतर मुहूर्त लाने में बाहुबली जी को 1 साल लगा था भाई साहब, और भरत चक्रवर्ती जी वो अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त मिल गए, तो तीव्र पुरुषार्थी कौन कहलाए? विचार करना, अपने किसी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर रहे, लेकिन विचार करो कि ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में परिणामों की ये परिस्थिति कि एक को 1000 साल में केवल ज्ञान हो रहा है, एक को 1 साल में केवल ज्ञान हो रहा है, और एक को अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो रहा है। साधना की प्रारंभ, साधना का प्रारंभ मुनि दशा में, साधना का प्रारंभ तो सबने एक तरीका ही किया होगा ना, है ना? क्यों? यह है पर्यायों की क्रमबद्धता, वो सारे सिद्धांत हैं, समझ आएगा नहीं आ गया? ये बहुत सारे सिद्धांत, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं खींच के ला दी पर्याय? पहले नहीं ला सकते, उस पर्याय को जिस काल में आना है उस काल में ही वो पर्याय आएगी। ये सिद्धांत पूज्य गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय का ठोक ठोक करके अपने को समझाया, वो चर्चा करेंगे अपन, बहुत सारे सिद्धांत हैं। आकुलता नहीं होती ज्ञानियों को, अरे मैं इतनी देर से साधना की, अच्छा जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान प्रकट हुआ होगा, ये अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, आदिनाथ के ज्ञान में था कि नहीं था? था। अच्छा आदिनाथ के ज्ञान में अपनी सिद्ध दशा थी कि नहीं थी? बोलो, विचार करो, कहां से आओगे कि अपनी सिद्ध दशा कब होगी, केवल ज्ञान होने के बाद कितना टाइम लगेगा, अपनी सिद्ध दशा को जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे ना, पहले क्यों नहीं लाते? अनंत बल के धनी, अनंत बल है ना, पहले तो अनंत बल नहीं था, अनंत बल नहीं था इसलिए 1000 साल लग गए, कोई बात नहीं, अब तो अनंत बल है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत बल के धनी है कि नहीं? तो अनंत बल के धनी वो अपनी पर्याय को एक समय पहले इधर से उधर कर नहीं सकते, और जिसमें न शारीरिक बल है न जिसमें आत्मिक बल है वो कहता है मैं पूरे लोक को पलट दूंगा। बोलो अपन लोग करते कि नहीं करते यही काम, करते कि नहीं करते? बोलो, कर्ता बुद्धि से हैरान है, विचार करो भैया, है ना? तो चर्चा हुई थी ना पार्श्वनाथ के जीव से चालू हुई थी ना, तो वो परिणति अपने को अपने जीवन में अपनाना, कि मैंने विराधक जीवों के विराधक परिणाम देख करके अपने जीवन में विराधना को अनुमोदना नहीं देना और विराधक के प्रति द्वेष नहीं करना। दो बातें, क्या कहा?
विराधना को अनुमोदना नहीं देना और विराधक के प्रति द्वेष नहीं करना। अनुमोदना तो विराधना की करना ही नहीं कभी, अनुमोदना वाला प्रकरण भी अपन लेंगे एक दिन, तो वो तो कभी करना ही नहीं, लेकिन उस विराधक के प्रति द्वेष मत करना। क्यों? क्योंकि पता लगा हम द्वेष करके चार गति में भटक रहे हैं और उसके पहले वो विराधक परण विराधक जीव आराधना करके हमसे पहले मुक्ति चला गई। ये इस संबंध में पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में बहुत सारे प्रसंग बने। कई विरोधी लोगों ने गुरुदेव का बहुत विरोध किया, अनेक प्रकार के अपशब्द, अनेक प्रकार की गालियां, अनेक प्रकार के बहुत विराधना गुरुदेव के प्रति की। जब गुरुदेव को इस बात की खबर लगती थी तभी गुरुदेव क्या बोलते थे, भूलेला भगवान छे एक समय नहीं पर्याय मां भूल छे एने न जुओ ए पण स्वभाव थी तो भगवान छे। एक समय की पर्याय मत देखो, स्वभाव से भगवान है, भगवान बन जाएगा। अरे उनके प्रति करुणा टपकती थी। अरे वो विराधक परिणाम कर रहा है ना, तो विराधक परिणाम करने से वो जीव दुखी है कि सुखी है? वर्तमान में दुखी है, ठीक। उस विराधक परिणाम का फल उसे क्या आएगा, दुख आएगा कि सुख आएगा? तो बिचारे जो वर्तमान में दुखी है और जो उसके फल में भविष्य में दुखी होने वाला है, तो दुखी के प्रति करुणा होनी चाहिए कि दुखी के प्रति क्रोध होना चाहिए? बोलो बोलो क्या होना चाहिए? करुणा होनी चाहिए। वो करुणा का पात्र, दया का पात्र है। अच्छा, कोई जीव आराधक मतलब कोई जीव आराधना का परिणाम करे, मतलब भगवान की भक्ति आदि का परिणाम किया, जैसे कि धरने धरने किया, तो उसके प्रति अहोभाव तो आएगा। तो ओहो देखो इसने जिनेंद्र परमात्मा की कैसी भक्ति की, क्या कहा, कैसी भक्ति की। लेकिन वो भी एक से द्वेष करके दूसरे से राज करें, ये जैन धर्म नहीं सिखाता। उसकी भक्ति प्रशंसा के योग्य है, उसकी सेवा प्रशंसा के योग्य है, लेकिन राग करने के योग्य तो वो भी नहीं। क्योंकि यदि उस पर भी पार्श्वनाथ ने राग किया होता तो पार्श्वनाथ हमारी बेदियों पे नहीं बैठे होते। अपने को तो भगवान बनना है ना, अपने को तो भगवान बनना है ना, तो राग का क्या काम यहां पे? भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया कि ना उससे द्वेष किया ना उससे राग किया, ज्ञान के गहरे रूप से जाना। सारी परिस्थितियां जानने में आई होंगी, सर्विकल दशा भी आई होगी, जानने में भी आई होगी, जो भी हुआ होगा, लेकिन वो सारी परिस्थितियां ज्ञान का गे, और जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया और वो जीव पछतापा हुआ आया, तो भगवान पार्श्वनाथ को तो गुस्सा नहीं आया, फिर कोई बात नहीं। लेकिन उनके दूसरे जो समोसरण में लोग थे, अच्छा तेरी अकल ठिकाने आ गई, ऐसा कहा उससे, अच्छा तेरी अकल ठिकाने आ गई, भगवान का समोसरण देख के तेरा मन पिघल गया, ऐसा परिणाम नहीं। अरे ये जीव अपनी विराधना के परिणाम को छोड़ करके आराधना परिणाम में आया है, अनुमोदना के योग्य है, अनुमोदना के योग्य आराधना है। किसी की राग की वृत्ति जिनेंद्र परमात्मा आदि के प्रति हो तो पाप भाव की अपेक्षा से प्रशंसनीय कह दो। समझ में आएगा क्या कहा, पाप भाव की अपेक्षा से प्रशंसनीय कह दो, अनुमोदनीय तो वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राग मात्र अनुमोदना के योग्य नहीं है, चाहे वो प्रशस्त राग हो चाहे वो अप्रशस्त राग हो। लेकिन कोई जीव यदि आराधना के परिणाम में वर्तता है तो आराधना के परिणाम अनुमोदन के योग्य है। क्यों अनुमोदन के योग्य है? क्योंकि मुझे भी अपने जीवन में अपनी परिणति में वैसी ही आराधना करने योग्य है। इस भावना से वे परिणाम आराधना के, वे परिणाम अनुमोदन के योग्य है। इस तरह जब हम मैंने द्वेष के निमित्तों में द्वेष नहीं करेंगे, राग के निमित्तों में राग नहीं करेंगे और स्वभाव के लक्ष्य से शांतमय परिणाम, वितरागतामय परिणाम, उपेक्षामय परिणाम, ज्ञाता दृष्टामय परिणाम रखेंगे, तो ही हमने वास्तव में प्रथमान योग के किसी भी पृष्ठ को पढ़ा है। और यदि हमने अपने जीवन में ये नहीं सीखा तो
तो हमने प्रथमान योग का कोई भी प्रसंग वास्तव में पढ़ा नहीं है। वास्तव में हमने उस प्रसंग को मनोरंजन के लिए ज्ञान का गेय बनाया है, लेकिन वास्तव में आत्म कल्याण के लिए उसे निमित्त नहीं बनाया है ना। गुरुदेव बोलते थे ना, आगे कथा वार्ता नथी, जबकि गुरुदेव ने तो वर्तेष वैभव पर भी प्रवचन किए, ये आपको पता होगा। और उनके प्रवचनों में यदा कदा जब वो प्रथमान योग के प्रसंग उनके प्रवचनों में बोलते हैं, खास तौर से वैराग्य के प्रकरण में, वो कृष्ण जी का द्वारिका जलने वाला प्रसंग 138 नंबर के कलश के प्रवचन में गुरुदेव ने लिया, मैं कहता हूं नकल करके भी गुरुदेव जैसी करुणा से वो प्रसंग कोई बोल नहीं सकता, ये सच है। क्यों? क्योंकि वो वैराग्य से बोलते हैं, तो उनके अंदर में वैराग्य का परिणाम है, तो वैराग्य के परिणमन सहित वो वैराग्य के, तो गुरुदेव ने प्रथमान योग नहीं पढ़ा था। गुरुदेव जितना प्रथमान योग हमने, द्रव्यान योग तो छोड़ो, गुरुदेव जितना प्रथमान योग भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। प्रथमान योग का उपलब्ध ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है लगभग मेरी नजर में जहां तक है, और जो मेरे पास उनकी जानकारी है, गुरुदेव श्री ने कौन कौन से ग्रंथ पढ़े वो सारी लिस्ट है, उसमें मेरी नजर में ऐसा कोई उपलब्ध ग्रंथ नहीं है प्रथमान योग का जो पूज्य गुरुदेव श्री ने नहीं पढ़ा। लेकिन उसमें से हम लोग क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं मनोरंजन, हम निकालते हैं राग रंग, है ना। वो लेंगे प्रसंग, वो तो अपने बहुत सारे, रावण के, अभी रावण तो मर गए, रावण मर के नरक में चला गया, सीता जी का जीव उसको संबोधन करके संग दर्शन प्राप्त करा दिया, उन दोनों में आपस में कोई झगड़ा नहीं, और अभी तक हम रावण के नाम पर वो तीर कमान ताने हुए हैं, आदमी वो क्या गया करे, है ना। ये सब बातें हैं, जो बहुत सारी बातें हैं जो अपन और आगे विशेष चर्चा में लेंगे। साची को गंगा यह गीत याद मारी,